सही है, एक बार चेक कर। नमस्कार दोस्तों, रीट से जुड़े हुए जितने भी अभ्यर्थी है, मेरे यूट्यूब चैनल से जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है, जितने भी जुड़े हुए हैं, उन सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी लेट आज लाइव आया हूँ, थोड़ा समय कम मिला था। कैलाश जी चावला अभी उन्होंने बोला था, और आप सभी का नमस्कार, सभी का मैं अभिवादन स्वीकार करता हूँ। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ सही से आ रही है अभी? अब सही आ रही है, अब आवाज। नमस्कार सभी को, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी नव चयनित अध्यापक है जो अभी तक स्कूल में नहीं पहुँच पाए हैं, इस मकर संक्रांति की तरह ही आपने जितनी भी पतंगे काटी है, उसी तरह उन मंचियों की या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ रही है, उन सभी प्रॉब्लम्स कट जाए पतंगों की तरह। देखो, रेट लेवल फर्स्ट की भी मैं बोलने आया हूँ, और उन सभी की बोलने आया हूँ जिनका अभी DV बाकी है, नव चयनित वो भी आते हैं। नव चयनित जो पहले लेवल फर्स्ट के लिए बोल रहा हूँ कि सभी को ये लग रहा है कि कल जो है वो बैच CG के बेंच में फैसला होगा या नहीं होगा, कल से नहीं बैच है, क्या होगा केस। देखो, आपका जो केस लड़ा जा रहा है, पिछली बार चलो रफीक जी आपके फेवर में कई बातें बोली थी, लेकिन आप ये मान के चले आपका जो केस लड़ते हैं वो एडवोकेट लड़ते हैं एडवोकेट लड़ते हैं, ना कि मजिस्ट्रेट साहब, जज साहब लड़ते हैं। हाँ, DV का इनका मैं बोलूँगा, वेटिंग का भी बोलूँगा, वेट करें आप सभी। तो आप लोग नव चयनित अध्यापक बिल्कुल ही ना घबराए, रीट लेवल फर्स्ट वाले कल आपके फेवर में ही अच्छा फैसला ही होगा जो भी है। हाँ, हो सकता है कि कल रिजल्ट ना आने के लिए एक हियरिंग वगैरह और भी निकल सकती है, बातें आगे बढ़ सकती है थोड़ी सी, लेकिन वो जो हाँ 26,000 का ही बोल रहा हूँ, 26,000 वाले बिल्कुल ना घबराए, गवर्नमेंट आपके फेवर में अच्छे से ऐसे आर्ग्यूमेंट जमा करवाए जा चुके हैं। आवाज़ नहीं आ रही है, मैसेज ही आ रहा है। बिल्कुल, कल का सभी को बेसब्री से इंतज़ार है, हो सकता है कि कल मैं भी पहुंच जाऊं आपके बीच में, टाइम मिलेगा तो मैं हाँ हूँगा जयपुरी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों के भी बीच में पहुंचूं फर्स्ट लेवल वालों के। तो सभी को मैं ये अवगत करवाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका जो केस रखा जा रहा है वो अच्छे एडवोकेट के द्वारा रखा जा रहा है, ना कि जज साहब के द्वारा रखा जा रहा है। आप ये मत कहे, आप ये बिल्कुल मत कहें कि हमारी किस्मत ख़राब है। ये देखो, तो किस्मत तो ख़राब तो थी, ये बात तो है कि डेट पे डेट मिल रही है, लेकिन अब अंतिम पड़ाव पे है, जो आपने बहुत कुछ सहा है, अब कुछ हो के निकल के आएगा और पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, गवर्नमेंट भी आपके फेवर में है, और सबसे बड़ी बात ये कि मंचियों की पतंग है वो कटने वाली है। किसी प्रकार से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सभी का मैं अभिवादन स्वीकार कर रहा हूँ, ये बात सुन रहा हूँ। तो लेवल फर्स्ट वाले देखो बिल्कुल जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे, किसी भी प्रकार के घबराने की जरूरत नहीं है, बस किंचित ना भयभीत मैं कर्तव्य के पथ पे जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, ये बातें जो आप गुनगुनाते रहते हो बहुत बार इस प्रकार से, कई बार ये बोलते हैं कि क्या हो जाएगा, कैश फ्री हो जाएगा या नहीं होगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन फोन कॉल्स ये आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बिल्कुल आप कैश जीतेंगे। थोड़ा वेट आपने किया है, थोड़ा सा और कर लो, चिंता ना करें, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट आपके फेवर में चल रही है, और मजिस्ट्रेट साहब जब रफीक जी ने आपके फेवर की बात की थी वो समझते हैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को, तो CJB भी समझेंगे, किसी भी प्रकार के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सभी प्रकार से मैं आपको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ, अग्रिम बधाई का मतलब ये है अग्रिम शुभकामनाओं के सहित इस पावन त्यौहार के साथ की जरूरत नहीं है, जल्द से जल्द ये मामला निपट जाएगा और आप सभी स्कूलों में पहुंचने वाले हो। तो अंतिम पड़ाव पे ये है, अब लगभग हम केस जीत रहे हैं, और क्या होना है, गवर्नमेंट की तरफ से कल अपना पक्ष रखा जाएगा। हाँ, सुना है उनकी तरफ, देखो क्रॉस केस भी होता है, लेकिन आप लोगों को पता है जो AG साहब है वो बहुत अच्छे हैं और उनकी अच्छी बात भी रखी जाएगी। तो लेवल फर्स्ट वाले बिल्कुल ना घबराए, अच्छे से
सभी को सिमरन करें और सुबह आपके लोगों के लिए फायदेमंद वाली वाली बात निकल के आएगी। किसी प्रकार से चिंता ना करें, हर प्रकार से सभी अपने अपने स्तर पे कोशिश कर रहे हैं। सभी गवर्नमेंट की तरफ से भी है और लॉयर की तरफ से भी अच्छे अच्छे लॉयर उतारे जा चुके हैं आपकी तरफ से, और बहुत सारे परिवारों की आशीष भी है, बहुत सारे परिवारों की दुआ भी है, कहीं ना कहीं वो भी काम आती है। क्योंकि उनकी नीयत थी वो केवल भर्ती को अटकाने की थी, विपक्ष जो है वो भर्ती अटकाने को लेकर, मैं पहली बार से कहते आ रहा हूँ कि विपक्ष हमेशा ही भर्ती को अटकाने की कोशिश की है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कैश को जीत के कुछ पॉजिटिव काम करे। उन्होंने लोगों से रुपए ऐंठने का काम किया है, लोगों से भर्ती को पजल करने के लिए लोगों को झूठे सपने दिखाए हैं। अगर उनकी नीयत सच्ची होती तो ऊपर वाला भी उनका साथ देता, लेकिन उनकी नीयत बिल्कुल भी सच नहीं थी, तो उनके ना तो ऊपर वाला साथ है ना कोई और साथ है। और ये चीजें आप लोगों के लिए, आप लोगों के फेवर में बात निकल के आएगी। किसी प्रकार से आप चिंता ना करें। पवन जी मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और वीडियो में इसमें नहीं है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखे। आप लोगों के फेवर में काम हो रहा है और डरने की जरूरत नहीं। आप लोगों के कॉल फोन की वजह से मैं लाइव आया हूँ। उन्होंने यही बोला है कि सर कुछ भी करे आप जल्द से जल्द एक बार आके हमसे लाइव आके बात रखे। हालांकि लाइव आने वाली इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन सीधी सी बात यह है कि जो सीजे की बेंच है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी अच्छे हैं, न्यायाधीश वही बनता है जो न्याय करना जानता है, और न्याय आपके फेवर में होगा ये आप लोगों को सभी को पता है। तो सभी मार्ड साहब बनने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल बन चुके हैं। मैंने तो उस दिन ही बना दिया जिस दिन आपका रिजल्ट आउट हुआ था। थोड़े से आप में बीच में कई जो दिक्कतें आई थी वो जल्द ही सॉल्व होने वाली है। रीट लेवल फर्स्ट वाले थोड़ी सी बाद में बात करूंगा, एक बार सेकंड लेवल की मैं बात रख देता हूँ। वैसे मुझे निकलना है जयपुर के लिए। मेरे मोबाइल नंबर आपको पुराने वाले कई वीडियो मिल जाएंगे, जो मोबाइल नंबर मांग रहे हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि मोबाइल पुराने वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कहीं पर भी चेक कर लेना इसी यूट्यूब चैनल पे। और गुरुड़ प्रकाशन का भी यूट्यूब चैनल आ रहा है, तो आप उनको भी सब्सक्राइब करें। गुरुड़ प्रकाशन से हो सकता है मैं कल गुरुड़ प्रकाशन वाले से लाइव आऊँगा, टाइम मिलेगा तो। मुझे उपेंद्र जी का है, उपेंद्र जी सर जो पॉजिटिव न्यूज़ देते हैं आप लोगों को सारी। सेकंड जो बात है, सेकंड लेवल की जो डीवी नहीं हो रहा है, सभी लोगों को ये टेंशन हो रही है डीवी नहीं हो रहा है, डीवी नहीं हो रहा है, डीवी नहीं हो रहा है। डीवी की बात ये है कि गवर्नमेंट का ये दबाव है कि इस भर्ती को जो लेवल सेकंड किया जल्द से जल्द इसको निपटाए, क्या रही सफल क्या वेटिंग, जल्द से जल्द काम करवाए, जल्द से जल्द उनका आगे बढ़ाए। तो उन्होंने ये कहा कि जल्द से जल्द जो आपने रिसफल निकाला है तो जल्द ही वेटिंग निकाल दे। जो वेटिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको मैं क्लियर बता देता हूँ कि वेटिंग जल्द से जल्द आ रही है। वेटिंग का काम शुरू हो चुका है निदेशालय में, और जल्द से जल्द वेटिंग की प्रोसेस निकाली जा रही है। तो लेवल टू के सेकेंड लेवल वाले वेटिंग को लेकर आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। वेटिंग का काम लगभग शुरू हो चुका है। भास्कर जी सावंत ने निर्देश दे चुके हैं, उनको गोविंद जी डोटासरा जी ने बोला है कि आपको जो ये भर्ती को लेकर जितनी भी उलझने हैं, तो उनकी जो मीटिंग हुई थी उनमें यही बात निकल के आई थी कि जल्द से जल्द लेवल सेकंड के जितने भी पद, लगभग 3,000 से अधिक पद जो वेटिंग के लिए, जो नॉन ज्वाइनर वाले थे उन पदों पर वेटिंग आनी है। और जो अपात्र वाला जो जिक्र चल रहा था, लगभग उनका जो कोर्ट का डिसीजन उसको मानते हुए न्यायालय के आदेश के अनुसार जो अपात्रों पे रीशफल निकालने का, या जिनका सिलेक्शन हो चुका है जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसके हिसाब से काम करने के लिए बोला गया है। तो अपात्र के जो, अगर अपात्रों को अलाउ किया है कोर्ट ने तो उसके अकॉर्डिंग, अगर आउट किया है तो उसके अकॉर्डिंग रीशफल निकालने का बात कहा है। तो वेटिंग और रीशफल वालों का डीवी साथ करवाने की सोच रहे, क्योंकि यदि वेटिंग वालों का रीशफल का भी डीवी करवा दे तो लगभग आपको पता है 25 से 30 दिन उनको ज्वाइनिंग में लग जाएंगे। उसके बाद में फिर वेटिंग निकलवाने की बात आती है, तो उनमें आगे आने वाली लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता आ जाती है। तो इसलिए वेटिंग वालों के लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट ने ये थोड़ा सा लाइजन रखा है। तो इसलिए वेटिंग वाले और रीशफल वाले दोनों ही ना घबराए, आपके काम जल्द से जल्द हो रहा है। फर्स्ट लेवल का मैं बोलूँगा, थोड़ा सा और बोलूँगा क्योंकि मुझे पता है सभी के फैसले की घड़ी और सभी को टेंशन है। तो किसी भी प्रकार से वेटिंग रीशफल वाले बिल्कुल ना टेंशन ले। 2016 इंग्लिश वालों की कोर्ट से ऑर्डर निकल के आया है, वेटिंग निकाली जाएगी, बिल्कुल उनका काम होगा, 1% नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बिल्कुल चिंता ना करे। करना कम आपने मुझे कल देखा था, चलो बढ़िया बात है। हिंदी में 0.17 कम है सर, भाई बाद में बात करेंगे, जिन जो कम है आपका आराम से होगा, ये मेरी गारंटी है। जानी फोटो स्टेट पे बिल्कुल मैं वहीं पे था सर। तो आगे जो मैं बात कर रहा हूँ, जो
रेट अटकाओ मच गया काम से, कुछ नहीं है अटकाओ, ऊपर वाला आपके साथ ना चिंता करे। एक सेकंड में आपके कमेंट देखूंगा, पहले मैं बात रख देता हूँ ताकि बहुत सारे और भी लोग होते हैं जो इस बातों को सुनते हैं। तो सेकंड लेवल में 2016 साइंस मैथ की बात करता हूँ, साइंस मैथ और संस्कृत विभाग दोनों के 2016 के अभ्यर्थी थे। 927 पोस्टों में से 63 पोस्ट के लगभग उनका उन्होंने काउंसलिंग हुई थी। काउंसलिंग के अंतिम तारीख के बाद में रीशफल आने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं और लगभग गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं। तो ये जो आती है, तो सतीश यादव की जो याचिका लगी थी उसमें 2002वीं रैंक थी और 69.17 था उनका नंबर। तो ओवरऑल 927 बाहर हो चुके हैं और आपको पता है उन्होंने 2018 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं 900 के लगभग, और 400 के लगभग पोस्टें जो संस्कृत विभाग थी, तो लगभग 1300 पोस्टें खाली है। उन पे अगर बात करें, अगर अंतिम पद भरा जाए तो लगभग 68-69 से भी नीचे जनरल की कट ऑफ आने की संभावना है। तो इस प्रकार से उनका भी काम जल्द से जल्द शुरू करवाने की बात चल रही है, तो हम जल्द से जल्द उनका काम भी शुरू करवाएंगे। तो रीट लेवल सेकंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं, किसी भी प्रकार से आप चिंता ना करें, उनका काम चल रहा है, वेटिंग का काम चल रहा है। देखो मैं कोई सेवा नहीं कर रहा हूँ, जो भी बात आती है तो मैं रख देता हूँ। जो काम है रियलिटी के अंदर वो निदेशालय कर रहा है। रियल में हम निदेशालय पे ब्लेम करते हैं कि निदेशालय ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, उनको टाइम ही नहीं है। मैं जब बैठ के देखा है तो उनको पूरे दिन लगे रहते हैं। हमारे जैसे ये एक मामले नहीं है, हजारों मामले तो उनके कोर्ट पेंडिंग के पड़े रहते हैं। एक एक फाइल को देखना पड़ता है, एक एक डॉक्यूमेंट को देखना पड़ता है, किसमें किसने मूल निवास में गड़बड़ कर रखी है, किसने क्या कर रखी है, कहीं पे क्या है, किसका फादर से कहीं से अलग स्टेप से कहीं से और से। तो किसी प्रकार से उनका जो सीन है वो अलग टाइप का है, तो किसी प्रकार से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, रीट लेवल फर्स्ट का जो भी है, देखो कई लोगों को हो सकता है मेरी बात खराब लग सकती है, क्योंकि 2016 में रीशफल, 2016 का साइंस मैथ का पहला रीशफल फिर वेटिंग, तो किसी को बात बुरी इसलिए लग सकती है क्योंकि रीट अटकाव मंच या जो भी है आपने रीट अधिकार मंच नाम दिया है। अक्षय निर्वाण जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, अक्षय निर्वाण जी, उनकी टीम, वीरेंद्र जी चूरू से और एक आरपी चौधरी जी और शेखर जी वैष्णव, ये उनकी जो रीट वर्किंग टीम है काफ़ी मेहनत करती है और इन्होंने एक एक आंकड़े जुटाए। इनकी तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है जो मैं आपको बताता हूँ कि आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगे 2015 या 17 के, आपको किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट अपने शेयर नहीं करने, क्योंकि उनके पास कोई किसी प्रकार के इस प्रकार के एफिडेविट नहीं मिल रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं जो कहीं बाहर रख सके। तो जो शेखर जी वैष्णव, अक्षय जी निर्माण की इनकी जो रीट वर्किंग टीम जो काम कर रही है और बहुत सारे अलग अलग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, तो उन उनकी तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उनको मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि किसी प्रकार से अपने, वैसे शेयर करने वाली अब कोई टाइम नहीं रहा है किसी प्रकार से किसी को, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और सीधी सी बात यह है कि कोशिश उनकी तरफ से बहुत की है अपने जमीर को गिराने की, लेकिन सीधी सी बात यही है, वो जमीर अपना गिराते गए और हम जीतते गए, पीछे भी जीतते आए हैं और आगे भी जीतते जाएंगे। और मैं सभी को बधाई दूंगा, अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीतेंगे हम ही। और रीट वेटिंग के लिए, वेटिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा भैया, वरना अगर आप कहीं किसी प्रकार से ये सोचते हो कि वेटिंग हम हो अल्लाह करते हैं ये करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ निदेशालय काम कर रहा है अपने स्तर पे, और आप अगर हो अल्लाह वगैरह ये करने की सोच रहे हैं तो स्पष्ट बात ये है कि उनके पास आपको टालने के लिए ये बहाना काफ़ी है कि रीशफल आया हुआ है, रीशफल के लिए पहले ज्वाइनिंग होगी, हमारे पास तो कुछ है नहीं, आप जिला परिषद से बात करें, जिला परिषद आपको वो करेगा, जिला परिषद उनको ज्वाइनिंग देगा, वहाँ से रिपोर्ट मिलेगी, फिर हम वेटिंग निकालेंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उनके पास बहुत सारे बहाने हैं आपको टालने के लिए, इसलिए बढ़िया बात यह है कि वो वेटिंग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप उनके बीच में टांग ना अड़ाए, मेरा मानना यही है। किसी प्रकार से वो काम कर रहे हैं, हाँ निवेदन रूप से उनसे आप जो अच्छा निवेदन होता, अब रीशफल आएगा क्या? रीशफल नहीं, रीशफल और वेटिंग दोनों आएगी, दोनों की बात चल रही है। डेट मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो वो मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, मैं मजिस्ट्रेट नहीं हूँ। किसी प्रकार से जो संभावना बनी जाती है वो हम आप लोगों के साथ प्रिडिक्शन की बात करते हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि सामने विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है। अरे पिछली बार भी उन्होंने ये हवाला दिया था, विनय अग्रीमेंट जमा नहीं कराए, उनके पास हो तब तो कराए ना कुछ,
कुछ करवाने के लायक है नहीं, बस बात ये है कि उनको बस वही टाइम टाइम मिल जाए। बटका बुटका जो भी है चिंता ना करें किसी प्रकार से। आप सभी को फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, जल्द ही उनकी पतंग कटने वाली है, आप चिंता ना करें। आप लोग सभी स्कूल जाने वाले हैं, धन्यवाद। और कुछ ज्वाइनिंग जल्दी मिलेगी, आप चिंता ना करें, किसी पर ज्वाइनिंग को लेकर बिल्कुल टेंशन ना ले। ये गवर्नमेंट लोकसभा चुनाव से पहले रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड के सभी पदों को ये भरने की कोशिश में है। और थोड़ा सा मैं भी कल दो तीन, देखो विधानसभा का सत्र है, तो विधानसभा के सत्र से पहले थोड़ा सा जो राजस्थान के मंत्री परिषद के कुछ सदस्य हैं कैबिनेट के, उनसे मेरी बातचीत है रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ को लेके, तो थोड़ा सा उनको मैं बातचीत करूँगा। पोस्टेड का क्या होगा सर जी, पोस्टेड रीट लेवल सेकंड में तो पोस्टेड वाले ज्वाइन कर चुके हैं, और फर्स्ट वाली बात है तो फर्स्ट वाले जो अभी कोर्ट से निकला नहीं है, कोर्ट से जो भी किसी प्रकार से याचिका भी लगाई गई है। तबीयत अब ठीक है, सभी लोगों का स्नेह प्यार वगैरह बना रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चिंता ना करें किसी प्रकार से। और जितने भी अभ्यर्थी है जो इस बात को लेके अपने मन में ये रखा हुआ है कि सर जो मांगा गया है उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए 15 के, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या मांगा गया। बिल्कुल जो जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं किसी प्रकार से, जो वो हर जमा करवा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और अपने को जल्द से जल्द जो मामला है वो अपने फेवर में निकल के आ जाएगा। और जो वहम पाल के बैठे हैं कि परमानेंट खराब हो जाएगी, तो वो कर दे अपने आप की, और बढ़िया बात ये। जनवरी में ज्वाइनिंग देखो ये डिपेंड कोर्ट पे करता है, साइंस मैथ के कितने पोस्टों पे आएगी, तो लगभग 863 के लगभग पोस्ट है साइंस मैथ, 2016 के 18 का लगभग 300 से अधिक है। और किसी प्रकार से कोई बात है तो कोई अपने सवाल पूछ ले, फिर मैं खुद कोई काम के लिए निकलूंगा। रीशफल रिजल्ट में जनरल की सीट, हाँ आरएस मेंस है 29, जो डेट आगे बढ़ गई है एक दिन अलवर के एग्जाम की वजह से, आरएस मेंस है, प्री क्लियर है। धन्यवाद आप सभी का, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कम कितनी होगी वो तो देखो उन पे डिपेंड करता है। 0.4 ओबीसी इंग्लिश आपका रामराज जी आराम से होगा, आप मेरे हिसाब से उसमें भी फॉलो करते हो गरुड़ वाले में। वेटिंग में थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है, बिल्कुल जनरल को वेटिंग में प्रॉफिट मिलता है। और किसी प्रकार की कोई बात है तो मैं रखूंगा। आप सभी से वापस से आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा भेजो ग्रुपों में, ताकि लोगों के पास पहुंचे। और जो ग्रुप एडमिन्स है जिन्होंने जो कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से, वो इस वीडियो को भेजे, ताकि लेवल फर्स्ट वाले व्यक्ति किसी प्रकार से डरे ना और आश्वस्त रहे, अच्छे ही बात निकल के आएगी। बस बहुत बार हो चुका है रिस्पल स्टे क्या मैटर, वो स्टे का जो मैटर पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ सर। आगे यही बात है कि जिन्होंने स्टे लेके आए थे उनको एक बार डिस्ट्रिक्ट चेंज नहीं करना है, डर लगता है। डरने की जरूरत नहीं, अब अंतिम दौर पे चल रहे हैं, अंतिम दौर पे सुनवाई है, और हमेशा ही पॉजिटिव निकल के आएगा। जयदीप जी क्या पूछ रहे हो, जल्दी से पूछो। हिंदी में ऋषि राज जी हो जाएगा, 107 आराम से हो जाएगा। सिस्टर की शादी है उससे पहले कोई गुड न्यूज सर, कोशिश तो ये है। 00 साइंस हो जाएगा, सब मस्त है, बढ़िया बात है। एस एस टी की टूटेगी 50 के लगभग, 0.50। लाइब्रेरी एग्जाम डेट नहीं पता सर मुझे। गुड नाइट रिशफल दोबारा, ओपी मंजू रे जनरल मैथ सर, कमेंट बहुत आ रहे हैं ये सुनते, 6 महीने हो गए, क्या करें। तो थैंक्स, ओके। एडिशन वालों ने ज्वाइन कर लिया है, एडिशनल वाले ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ नहीं होना है अब उनका। हिंदी 0.17 टूट जाएगी, रिसफल होगा तो पूरी सीट पे, रिसफल पूरी सीट पे वो उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट सेल लेवल। रिसफल, रिसफल देवराज जी आपने क्वेश्चन किया था, रिसफल पहले कोर्ट से निकलेंगे, देन आफ्टर रिसफल निकल जाएगा उसका। धन्यवाद, गुड नाइट सब सभी को, बहुत सारे सवाल हैं आपके, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप सभी से आग्रह है किसी को सवाल पूछना है वो कमेंट में डाल दे, तो अगले वाले वीडियो में उन सवाल के जवाब